लास्ट क्लास में हमने ये थ्योरम पढ़ा था कि फॉर एनी पावर सीरीज इन एक्स एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू द सीरीज कन्वर्जेस ओनली फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब है कि सीरीज कन्वर्जेस ओनली फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो? इसका मतलब ये है कि तो इस थ्योरम का पहला स्टेटमेंट ये था, यानी तीन इसमें स्टेटमेंट थे और किसी पावर सीरीज जो कि एक्स के लिए लिखी गई हो, जैसे कि टेलर सीरीज या स्पेशली मैकलॉरिन सीरीज ली, तो द सीरीज कन्वर्जेस ओनली फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि सीरीज जो है वो एक्स की वैल्यू जीरो पे कन्वर्ज हो रही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो है अगर ये आपके पास इस तरह से ये रियल लाइन है और ये वैल्यू जीरो है, तो सिर्फ जीरो पे ये कन्वर्ज हो रही है, इसके अलावा बाकी सब जगह डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्जेस डाइवर्जेस और सिर्फ जीरो पे कन्वर्ज हो रही है, और इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जन है आर, इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जन, ये सिर्फ जीरो होगा, यानी कि यहाँ पे आर की वैल्यू जीरो होगी। जो यहाँ पे आर नजर आ रहा था, ये आर यहाँ पे जीरो होगा पार्ट ए में, ठीक है। इसके बाद बी में कह रहे हैं द सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली एंड हैव कन्वर्जेस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो सीरीज होगी वो एक्स की सारी रियल वैल्यूज पे कन्वर्ज करेगी। ये माइनस इंफिनिटी है, ये प्लस इंफिनिटी, ये रियल लाइन है प्लस इंफिनिटी, और ये आपके पास माइनस इंफिनिटी है, ये जीरो होगा, तो कन्वर्जेस फॉर ऑल वैल्यूज। कन्वर्जेस कन्वर्जेस, और यहां पर हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर, इसको हम लिखेंगे प्लस इंफिनिटी, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस प्लस इंफिनिटी होगा, इसका सी पार्ट है द सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली एंड हेंस कन्वर्जेस फॉर ऑल एक्स इन सम फाइनाइट ओपन इंटरवल माइनस आर टू आर एंड डाइवर्जेस आउटसाइड दिस इंटरवल, ठीक है। और एक्स की वैल्यू आर और माइनस आर पे ये कुछ भी हो सकती है, ठीक है, कंडीशनली कन्वर्ज हो सकती है, एब्सोल्युटली कन्वर्ज हो सकती है, डाइवर्ज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये अगर हमारे पास रियल लाइन है प्लस इन्फिनिटी और ये है माइनस इन्फिनिटी, ये हमारे पास जो है वो जीरो है, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट होगा फॉर एग्जांपल माइनस आर, और ये हमारे पास है प्लस आर, तो माइनस आर के ओपन इंटरवल से इसका मतलब ये है कि प्लस आर तक ये कन्वर्ज करती है, कन्वर्जिस। और इसके अलावा डाइवर्ज करती है, यानी कि इधर डाइवर्जिस डाइवर्जेस, और ऐसी सूरत में रेडियस ऑफ कन्वर्जन जो है वो आर होगा, यानी यहां से लेके यहां तक जो वैल्यू आर है ये इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जन।
रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ इसको आप कह रहे हैं कन्वर्जेंस या सिंपली रेडियस भी लिख कह सकते हैं। ये यहां पर आर होगा और इस ओपन इंटरवल में ये कन्वर्ज होगी। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, बुक की एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन मैं शो कराता हूँ ताकि ये हमारी समझ में आए कि किस तरीके से जो है ये थ्योरम है, इसकी इम्प्लीकेशन है। तो एक्सरसाइज का ही एक क्वेश्चन है, सम के इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर के डिवाइडेड बाय के प्लस वन। ये आपके पास एक इन्फिनिट सीरीज है। ठीक है, हमसे क्या कह रहे हैं इन क्वेश्चंस में, इनमें कह रहे हैं कि फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, यानी कि किन इंटरवल में ये कन्वर्ज कर रही है और उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जन क्या होगा। तो वी हैव टू डिटरमिन दैट। अब इसके लिए आपने लिखा कि यू के is equal to यानी कि kth क्रम x to the power k divided by k plus। तो k plus one क्रम will be x to the power k plus one divided by k plus one plus one यानी कि k plus two। तो अब हम जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं रेशियो टेस्ट बाय रेशियो टेस्ट जो कि हमने यहाँ पर अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए पढ़ा था। इसमें हम एब्सोल्यूट वैल्यूज लेते हैं, एब्सोल्यूट यू के प्लस वन डिवाइडेड बाय यू। वैसे तो यहाँ पॉजिटिव है पूरा ये, लेकिन ये नेगेटिव भी हो सकती है, अल्टरनेटिंग भी हो सकती है, तो इस वजह से एब्सोल्यूट वैल्यूज ले लेते हैं और साथ में लिमिट भी लेते हैं। इसे मैंने लिमिट नहीं लिखी, एक मिनट इसको पीछे कर दो। रो इक्वल्स लिमिट के अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी। ऐसे करता हूँ, यहाँ आगे ही लिख देता हूँ। तो रो इक्वल्स लिमिट के अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी एब्सोल्यूट एक्स टू द पावर के प्लस वन डिवाइडेड बाय के प्लस टू होल डिवाइडेड बाय x to the power k divided by k plus 2। अब देखिए क्योंकि ये सारी चीजें पॉजिटिव हैं, तो देखिए k plus 1 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। जी जी जी, थैंक यू। k plus 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा। आप चाहें तो ये k क्योंकि पॉजिटिव होता है तो इसको आप बाहर निकालना चाहें इससे बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें रहने देना चाहें तो रहने दें। तो ये हो जाएगा x टू दी पावर k टाइम्स x डिवाइडेड बाय k प्लस टू टाइम्स k प्लस वन डिवाइडेड बाय x टू दी पावर k।
ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। और के क्योंकि पॉजिटिव है तो इसको आप चाहें तो बाहर लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा लिमिट के अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी के प्लस वन डिवाइडेड बाई के प्लस टू एब्सोल्यूट एक्स, ठीक है। एब्सोल्यूट एक्स पे तो के है ही नहीं, तो इसको आप लिमिट से पहले भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा एब्सोल्यूट एक्स लिमिट के अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी, के यहां से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन के, और यहां से हम के कॉमन ले लेंगे नीचे से भी तो वन प्लस टू अपॉन के, और जब k अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी तो 1 अपॉन 1 यानी कि 1, तो आपके पास ये आ गया एब्सोल्यूट x। तो रो की वैल्यू आपके पास आ रही है एब्सोल्यूट x। सीरीज कब कन्वर्ज करती है ये वाला जो रेशियो टेस्ट है इसके मुताबिक, तो सीरीज कन्वर्जेस व्हेन रो जो कि इस वक्त एब्सोल्यूट एक्स के बराबर है, ये जब हो जाए लेस देन वन, ठीक है, और जब वन हो तो इसका मतलब है कि सीरीज जो है वो कुछ नहीं बताती, लेकिन वन से ज्यादा हो तो इसका मतलब ये हुआ कि डाइवर्ज करती है। तो सीरीज कन्वर्जेस व्हेन रो व्हिच इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एक्स इज लेस देन वन एंड diverges when rho equals absolute x is greater than 1, और equal to 1 पे जो है वो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो हम कन्वर्जेंस के बारे में देख लेते हैं, कन्वर्जन यानी कि कब कन्वर्ज हो रही है सीरीज, when absolute x is less than 1। एब्सोल्यूट एक्स इज लेस देन वन का मतलब है कि एक्स इज लेस देन वन एंड ग्रेटर देन माइनस वन। तो हमें पता चला कि माइनस वन से प्लस वन पे ये कन्वर्ज हो रही है, और एब्सोल्यूट एक्स इज ग्रेटर देन वन विच मीन्स एक्स इज greater than 1 and less than minus 1, इस पे ये diverge हो रही है। और इसके अलावा हमें x की value 1 और x की value minus 1 का कुछ नहीं पता, क्योंकि जब x की value 1 होगी तो rho 1 हो जाएगा, और जब x की value minus 1 होगी तो भी rho 1 हो जाएगा, इस पे ratio test कुछ नहीं कहता, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से real line बनाते हैं, क्योंकि एक्स यहां पर रियल है, प्लस इंफिनिटी और ये माइनस इंफिनिटी, ये जीरो वैल्यू है, ये प्लस वन है, ये माइनस वन है, और हमें ये पता चला है कि ये ओपन इंटरवल में कन्वर्ज कर रहा है, ये जो ब्लू से आ रहा है ये कन्वर्जेस, और ये जो दूसरी वैल्यूज हैं इनके ऊपर ये डाइवर्ज करता है, डाइवर्जेंस वन से ज्यादा के लिए डाइवर्जेंस। तो एक बात तो हमें पता, अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये, लेकिन एक बात हमें पता चल गई कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ पे वन होगा, ये हमें बात पता चल गई, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक्स की वैल्यू वन और माइनस वन पे क्या होगा, ठीक है।
क्योंकि x की वैल्यू 1 और माइनस 1 पर रो हो जाएगा प्लस 1, तो जिससे इसके बारे में नहीं पता चलना। अब हम ये बारी बारी दोनों देखते हैं। तो हमने लिखा कि व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो जब x की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो आप ये सीरीज जो है ये देखेंगे कि क्या हो जाएगा। तो हमारे पास जो सीरीज है वो हो जाएगी सम k इज इक्वल टू ये 0 से जीरो से इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, x की जगह 1 रख दिया, 1 की पावर k, 1 हो गया डिवाइडेड बाई k प्लस 1। तो ये हो जाएगा जब k की वैल्यू हमने 0 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, k की वैल्यू 1 होगी तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4 एंड सो 1 अपॉन k प्लस 1 एंड सो। तो इन्फिनिट सीरीज है और आपको पता है कि ये कौन सी सीरीज है, हार्मोनिक सीरीज है। और तो आपको और आपको ये भी पता है कि हार्मोनिक सीरीज जो है डाइवर्ज करती है। तो हमने लिखा कि एट x इज इक्वल टू 1 द अबव सीरीज इज हार्मोनिक सीरीज विच डाइवर्जेस। तो एक्स की वैल्यू 1 के ऊपर ये डाइवर्ज करती है। फिर उसके बाद व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 1, तो जब x की वैल्यू माइनस 1 रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस 1 रखने के बाद ये हो जाएगा सम k इक्वल 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर k डिवाइडेड बाई k प्लस 1। तो ये हो जाएगा जब k के लिए 0 होगी तो ये हो जाएगा 1, फिर 1 पे माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 फिर माइनस 1 अपॉन 4 एंड सो। तो ये आपके पास भी हार्मोनिक आ गई। तो एट x इज इक्वल टू माइनस 1, लेकिन ये ऑल्टरनेट सीरीज है, the series is alternate बोल के लिख देना चाहिए। The series is alternating harmonic series। और आपको पता है कि ऑल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज जो होती है, हमने इसके बारे में पढ़ा था कि ऑल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज क्या करती है, विच इज कंडीशनली कन्वर्जेंट।
ठीक है, तो ये कंडीशनली कन्वर्जेंट होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीरीज है वन पे तो डाइवर्ज कर रही है लेकिन माइनस वन पे कन्वर्ज कर रही है, तो ये होल को आप फिल कर देंगे क्योंकि ये कन्वर्जेंस में शामिल हो गया। और जब आप इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस लिखेंगे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो वही रहेगा वन, तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस जब आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि ये क्योंकि वन जो है वो इसमें शामिल हो गया तो यहां से क्लोज इंटरवल होगा, तो ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा माइनस वन से प्लस वन। तो इस तरह से ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आ गया। जी भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम इस चीज में? ये समझ में आया? ये सर ये बता दीजिएगा कि वन जो है पॉजिटिव वो क्लोज नहीं है। वन पे क्या? सॉरी दोबारा पूछ लीजिए, क्या पूछ रही हैं? पार्शियली क्लोज इंटरवल है ना? जी पार्शियली क्लोज या सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवल है जी। ये सर क्यों है? उसकी वजह यह है कि आपको ये बताना है कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है ना, तो किन किन पे कन्वर्जन है। तो हमने जो थ्योरम पढ़ा था उस थ्योरम के मुताबिक जो है वो हमें ये बताना था। तो हमने कन्वर्जेंस का बताया, तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि ये जो रेशियो टेस्ट है उसके मुताबिक ये आ रहा है कन्वर्जेंस माइनस वन से लेके प्लस वन तक, यानी जिसमें माइनस वन और प्लस वन शामिल नहीं है क्योंकि उसके ऊपर रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है। अब दो पॉइंट बच गए, बाकी के लिए डाइवर्ज है, ये भी हमने यहाँ देख लिया क्योंकि उससे एक्स की जो रो है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन वन हो रही है, तो रो की वैल्यू ग्रेटर देन वन के लिए ये डाइवर्ज करेगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि डाइवर्ज और कन्वर्ज, लेकिन दो पॉइंट रह गए, एक पॉइंट है वन और दूसरा पॉइंट है माइनस वन, ये दो पॉइंट रह गए। अब इन दोनों पॉइंट पे देख लेते हैं ये कन्वर्ज कर रहा है ये डाइवर्ज। जब हमने x की वैल्यू वन रखी इस सीरीज में, जो सीरीज गिवन है ये रही, ये जो सीरीज गिवन है हमें, इसमें जब हमने x की वैल्यू वन रख रहा है तो हमारे पास ये हार्मोनिक सीरीज आ रही है और हमें पता है कि ये डाइवर्ज करती है। तो बस हमने लिख दी है कि सिंपली एट x इक्वल्स वन दी सीरीज इज हार्मोनिक सीरीज विच डाइवर्जेस। ठीक है, तो ये डाइवर्ज करी तो वन के ऊपर तो ये डाइवर्ज करेगा, तो वन इसका मतलब है कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में नहीं आएगा। फिर एक्स की वैल्यू हमने माइनस वन रखी, जब माइनस वन रखी तो ये हमारे पास जो है कन्वर्ज आ गया। तो जब ये कन्वर्ज आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज आई, और आपको पता है कि ऑल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज जो है कंडीशनली कन्वर्जेंट होती है, ये हमने इससे पहले पढ़ा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस वन पे कंडीशनली कन्वर्जेंट आया है। ठीक है, तो जो हमने थ्योरम पढ़ा था उसमें भी इसी तरह से था कि ये देखें अगर इसका सी पार्ट, तो इसमें कह रहे हैं द सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली एंड हेंस कन्वर्जेस फॉर ऑल एक्स इन सम फाइनाइट ओपन इंटरवल माइनस आर टू प्लस आर एंड डाइवर्जेस इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर एंड लेस देन माइनस आर। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि एट ईदर ऑफ x is equal to r और x is equal to minus r, जो हमारे केस में x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू minus 1 है, the series may converge absolutely, converge conditionally और diverge। ठीक है, तो अब ये सीरीज जो है हमने देखा तो ये कन्वर्ज करती है minus 1 पे conditionally कन्वर्ज करती है और 1 पे डाइवर्ज करती है। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस जो हमारे पास आया तो माइनस वन पे क्योंकि कन्वर्ज कर रही है तो यहाँ पे हमने क्लोज ले लिया, यानी कि माइनस वन इसमें शामिल है और वन शामिल नहीं है क्योंकि इस पे डाइवर्ज कर रही है। जी भाई, आप क्लियर हो गया ये? यस सर, थैंक यू। अब कोई और जो है वो एग्जांपल मैं करा देता हूँ ऐसी जिसमें जो है वो ये आ जाए कि बहुत सिंपल सा कोई देख लेते हैं कि जिसमें
सब जगह जो है वो कन्वर्ट कर रही है। एक एग्जांपल और देख लीजिए, k इक्वल्स 0 टू इन्फिनिटी और यहाँ पर हम क्या कहते हैं 2x टू द पावर k। तो uk हो जाएगा 2x टू द पावर k एंड uk प्लस 1 ये हो जाएगा 2x टू द पावर k प्लस 1। तो अब इसके बाद जो है इसमें देखें कि रेशियो टेस्ट हम यूज कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू रेशियो टेस्ट ये हो जाएगा लिमिट के अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी एब्सोल्यूट uk प्लस 1 डिवाइडेड बाय uk इज इक्वल टू लिमिट k अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी एब्सोल्यूट 2x टू द पावर k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x टू द पावर k। जब इसे सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x की पावर के से x की पावर k कैंसिल, तो ये आपके पास लिमिट के अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी एब्सोल्यूट x। तो अब ये आपके पास सिर्फ एब्सोल्यूट x बच गया, तो ये तो सिर्फ जो है वो एब्सोल्यूट x बच गया, तो इसका मतलब है कि ये एब्सोल्यूट x आ जाएगा। ये भी फिर वही एग्जाम्पल आ रही है, ये एब्सोल्यूट x आ गया रो, तो ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्ज करेगा, डाइवर्जेस, ये तो वही एग्जाम्पल हो गई वैसी, कोई दूसरी करा तो डाइवर्जेस एंड एब्सोल्यूट x लेस देन 1 के लिए कन्वर्ज, कन्वर्जेस और फिर x की वैल्यू 1 और माइनस 1 देखेंगे, तो x की वैल्यू 1 और माइनस 1 दोनों पे ये डाइवर्ज होगा। जब x की वैल्यू 1 होगी तो ये हो जाएगा सम k इक्वल 0 टू इन्फिनिटी और ये 2 हो जाएगा x की वैल्यू 1 पर। तो जाहिर है कि जब ये 2 प्लस 2 प्लस 2 टिल इन्फिनिटी, तो ये डाइवर्ज होगा, ये भी डाइवर्जेस। फिर x की वैल्यू माइनस 1, x की वैल्यू माइनस 1 पे सम k इज इक्वल टू 0 टू प्लस इन्फिनिटी और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई भी माइनस 1 टू द पावर k, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 टिल इन्फिनिटी। तो आपको पता है ये भी सीरीज डाइवर्ज करती है, तो ये भी डाइवर्ज कर रही है, तो x की वैल्यू 1 और माइनस 1 दोनों पे ये डाइवर्ज कर रही है, तो कन्वर्ट जो है वो सिर्फ इस पे हो रही है। ये इसका मतलब होता है कि x इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन माइनस 1, तो वो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा माइनस 1 से प्लस 1 और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r जो है यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इत्तेफाक से वही क्वेश्चन बन गया, मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट हो, ऐसे करते हैं कि एक्सरसाइज के बजाय मैं कोई एग्जांपल जो सॉल्व की हुई है उसमें से देख लेता हूँ ताकि उसका रिजल्ट हमें पता हो।
ये देखें एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये है एब्सोल्यूट सम, सॉरी सम के इक्वल्स जीरो टू इंफिनिटी एक्स टू द पावर के डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमने यू के लिखा, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर के डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल, और फिर उसके बाद यू के प्लस वन हम लिखेंगे जो कि हो जाएगा एक्स टू द पावर के प्लस वन डिवाइडेड बाय के प्लस वन फैक्टोरियल। तो अब इसके बाद जो है क्या होगा कि रो कंप्यूट करते हैं जो कि होगा लिमिट के अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी एब्सोल्यूट यू के प्लस वन जो कि है एक्स टू द पावर के प्लस वन डिवाइडेड बाय के प्लस वन फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर के डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करें इसे, लिमिट के अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी एक्स टू द पावर के टाइम्स एक्स डिवाइडेड बाय के प्लस वन फैक्टोरियल को के प्लस वन टाइम्स के फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और जो डिवाइड हो रहा है ये इसमें k फैक्टोरियल ऊपर चले जाएगा डिवाइडेड बाय x टू द पावर k, इस तरह से लिखेंगे k फैक्टोरियल से k फैक्टोरियल कैंसिल, x की पावर k से x की पावर k कैंसिल। अब ये आपके पास आ जाएगा लिमिट k अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी एब्सोल्यूट x ओवर k प्लस 1। तो चाहे तो एब्सोल्यूट x को अलग ही ले लें, तो एब्सोल्यूट x टाइम्स लिमिट k अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी वन अपॉन k प्लस वन, क्योंकि k है तो पॉजिटिव वैल्यू है, उसका एब्सोल्यूट साइन के बाहर लिख सकते हैं। तो अब आपको पता है कि इसका आंसर क्या आएगा, इस लिमिट का जीरो, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये जीरो आ गया विच इज लेस देन वन। तब यहाँ x कुछ भी हो जाए इसका रिजल्ट जो है वो जीरो ही आएगा जो कि लेस देन वन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज जो है ये हमेशा कन्वर्ज होगी। ठीक है, तो कन्वर्जेस एवरीवेयर या फिर फॉर All x, ठीक है, सारे x के लिए कन्वर्ज होगी, और ऐसी सूरत में रेडियस ऑफ कन्वर्जन प्लस इंफिनिटी होता है। अब दूसरा एक और देख लीजिए, एक और जो है वो हम देख लेते हैं कि ऐसा कोई सिंपली ये k फैक्टोरियल जो डिवाइड हो रहा है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और वो एग्जांपल ऐसी बन जाएगी जिसमें जो है वो हर वक्त डाइवर्ज हो रहा होगा। तो बस ऐसी एग्जांपल जो है वो आपका है, तो जिसमें ये तीसरा केस भी आ रहा हो ताकि तीनों केसेस थ्योरम के कवर हो जाएं। सम ए इक्वल जीरो टू प्लस इंफिनिटी एक्स टू द पावर के टाइम्स के फैक्टोरियल, या बेहतर ये कि के फैक्टोरियल पहले लिखा जाए, कोएफिशिएंट समूह पहले लिखा जाता, तो के फैक्टोरियल टाइम्स एक्स टू द पावर की, ये हमारे पास है। तो इसके लिए हमने
यूके निकाला जो कि के फैक्टोरियल टाइम्स एक्स टू दी पावर के है, और फिर उसके बाद के प्लस वन जो कि हमारे पास है के प्लस वन फैक्टोरियल एक्स टू दी पावर के प्लस वन। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू लिमिट के अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी एब्सोल्यूट के प्लस वन फैक्टोरियल एक्स टू द पावर के प्लस वन डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल टाइम्स एक्स टू द पावर के। इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये किसी का बाइक खुला हुआ है, तथीर फातिमा, मैं खुद ही म्यूट कर देता हूँ इनको। तो ये हो जाएगा लिमिट के अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी एब्सोल्यूट के प्लस वन टाइम्स एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट एक्स टाइम्स लिमिट के अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी k प्लस वन। अब जाहिर है कि ये k की वैल्यू जब प्लस इंफिनिटी का अप्रोच करेगी तो रिजल्ट ये प्लस इंफिनिटी आ जाएगा। ठीक है, ऑल वैल्यूज ऑफ x, यानी जब हम ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट x इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जब हम x की वैल्यू जीरो रखते हैं तो हमारे पास सीरीज होगी उसमें यहाँ भी जीरो आ जाएगा, और जब जीरो आ जाएगा तो जीरो इस लिमिट से मल्टीप्लाई होगा तो पहले ही रिजल्ट जीरो आ जाएगा, तो ये जीरो होगा। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू जीरो व्हेन x इज इक्वल टू जीरो। तो सीरीज डाइवर्जेस फॉर ऑल x एक्सेप्ट x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है सीरीज इस तरह से माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक सब जगह डाइवर्ज कर रही होगी एक्सेप्ट x की एक वैल्यू जीरो पे। ठीक है, और ऐसी सूरत में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा r, वो यहाँ पे जीरो हो जाए। ठीक, इस चीज में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए भाई, आप लोगों को समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. अब इसमें हो सकता है कि कोएफिशिएंट्स जो है वो थोड़े से डिफरेंट हों, और जो है वो जो हमारे पास उसकी वजह से जो है वो रिजल्ट्स, जैसे कि एक एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन देखते हैं, ये है सम k इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी k फैक्टोरियल ओवर टू टू द पावर k
एक्स टू दी पावर के, ये क्वेश्चन है ठीक, ये जीरो। तो इसमें हमने यहाँ पे ले लिया यू के प्लस वन इज इक्वल टू k फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू टू दी पावर k x टू दी पावर k। तो u k प्लस वन इज इक्वल टू k प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू टू दी पावर k प्लस वन x टू दी पावर k प्लस वन। रो अब निकालेंगे तो एब्सोल्यूट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पहले ये लिख देते हैं k प्लस वन फैक्टोरियल की जगह लिख दिया मैंने k प्लस वन टाइम्स k फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू टू दी पावर k टाइम्स टू x टू दी पावर k टाइम्स x मल्टीप्लाई बाई। अब ये लिखना है मुझे क्योंकि डिवाइड हो रहा था तो उल्टा कर देंगे इसे, तो ये हो जाएगा टू टू दी पावर के डिवाइडेड बाई के फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई एक्स टू दी पावर के। तो अब ये हो जाएगा कैंसिलेशन क्या होती है, के फैक्टोरियल से के फैक्टोरियल कैंसिल, टू टू दी पावर के से टू टू दी पावर के कैंसिल, एक्स टू दी पावर के से एक्स टू दी पावर के कैंसिल। तो ये आपके पास आ जाएगा k प्लस वन ओवर टू x। ये तो वैसे ही क्वेश्चन, तो बहरहाल अच्छा लिमिट तो मैंने लिखी नहीं है यहाँ पे, अगर लिमिट k अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ भी लिमिट k अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी और एब्सोल्यूट x बाहर लिख देंगे। ये तो वैसे ही क्वेश्चन बन गया, लिमिट x अप्रोच k अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी और एब्सोल्यूट k प्लस वन ओवर टू। तो ये प्लस इन्फिनिटी है आएगा ठीक है, और वही एक्सेप्ट x इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू जीरो पे ये कन्वर्ट करेगा, बाकी सब पे डाइवर्ट करेगा। ये इत्तेफाक से वो क्वेश्चन बन गया जो सी में दिया हुआ था, मतलब जो इससे पहले वाला किया था तो वो एक नई चीज जो है वो। अब इसके बाद जो है वो एक और जो है वो देखते हैं, ये मैं करा देता हूं और एग्जांपल देखें। कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है स्टूडेंट, व्हाई इज द सेकंड वन डाइवर्जिंग, किसी ने पूछा है सेकंड वन डाइवर्ज क्यों कर रहा है, ये मैंने तो अब देखा है मेरे ख्याल से कौन से वाले केस के लिए पूछा था, मेरा ख्याल से जिन्होंने पूछा था प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 हो रहा था ना उधर, अच्छा ये वाला हाँ, तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज इस तरह से होती है ना सेम, उसमें तो वो डाइवर्ज करती है प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, ये डाइवर्ज करती है। बट सर इसका लॉजिक क्या है, किसी कैंसिल आउट होके जीरो नहीं होएगा, नहीं जीरो तो वो तो उस वक्त होगा जब इवन टर्म्स, आपको क्या पता कि इवन टर्म्स है, तो डाइवर्ज इस वजह से करती है कि जो है वो आपको आपके पास एक सिंगल यूनिक वैल्यू आनी चाहिए, तो यूनिक वैल्यू नहीं आती, ऑड पे जो है इसका सम जो है जीरो टू आएगा और इवन पे जो है इसका सम कुछ और आएगा, इस वजह से जो है ये इसको कन्वर्ज करना नहीं करते, कन्वर्ज करने का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पे जो है ये कन्वर्ज करे,
ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ऐसा करते हैं कि फिर मैं आपको जो है वो आगे जो एग्जांपल्स हैं वो फिर नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अभी ऐसा करते हैं कि हम क्विज की, क्योंकि बात की थी मैंने, तो क्विज रख लेते हैं। ठीक है, ठीक है।